कोहिस्तान नमक का एक दूर अफ्तादा गांव वेहाली है। जहां के घर में एहसन कमाल अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ मुकीम है। जिंदगी मुस्कुरा रही थी। ये अचानक सड़क पर होने वाले एक अफसोसनाक हादसे में एहसन कमाल के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। खानदान पर दर्द और गम के पहाड़ टूट पड़े। कफील और सरपरस्त से महरूमी ने गुर्बत का रूप इख्तियार कर लिया। एहसन कमाल की तालीम का सिलसिला मौकूफ हो गया। अचानक दुख और मुसीबत की अंधेरी रात में उम्मीद का चराग रोशन हुआ। एहसन कमाल को एक सामाजिक कारकुन के तुफैल परवरिश हॉस्पिटल चक मलूक में दाखिला मिल गया। एहसन कमाल को एक सामाजिक कारकुन के तुफैल परवरिश हॉस्पिटल चक मलूक में दाखिला मिल गया, जो मददगार फाउंडेशन चकपाल के जेर एहतमाम महरूम किफालत बच्चों का एक मिसाली तरबियती इदारा है। अभी एहसन कमाल अपने दूसरे दोस्तों के साथ यहाँ एक काबिले तहसीन माहौल में तरबियत और इल्म के मरहले कामयाबी से तय कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त परवरिश स्कूल सिस्टम हॉस्टल चकमलूक जिला चकवाल में मौजूद हूँ। फरवरी 2023 में हमने पहला बैच जो लिया था आर्फन बच्चों का, उसमें की इन तमाम बच्चों की रहाइश, खाना पीना, तालीम सब कुछ फ्री है। और ये बच्चे एक चकमलू के एक निजी तालीमी अदारा स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। इंशाल्लाह हम हर साल 10 बच्चों को अडॉप्ट किया करेंगे और इन तमाम बच्चों का जो है ना खाना पीना, रहाइश और मुकम्मल तलीमी कफालत फ्री ऑफ कास्ट होगी। तमाम मुखियर हजरात से अपील की जाती है कि आप बढ़ चढ़ कर इस हमारे प्रोजेक्ट में हिस्सा लें और अपने सदकात, ज़कात, अतियात हमारे जो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं इन पे डिपॉजिट करवाएँ, ताकि कोई भी ज़िला चकवाल का यतीम बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से आरास्ता ये परवरिश हॉस्टल बच्चों को खेल, खुराक, लिबास, तरबियत और तफरीह का बेहतरीन माहौल फराहम कर रहा है। परवरिश हॉस्टल के ये बच्चे बड़े एतमाद से ऐसी तमाम महारतें और तरबियत हासिल कर रहे हैं जो कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है।
परवरिश हॉस्टल के बच्चे मददगार फाउंडेशन चकवाल के जेर एहतमाम चलने वाले एक मिसाली तालीमी और तरबियती इदारे स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल चकमलूक में जेर तालीम और तरबियत हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं कैप्टन रिटायर्ड गुलाम शबीर मिनास यहाँ पर हॉस्टल का इंचार्ज हूँ। इसमें फेज़ वन के हवाले से राशिद मिनास साहब आपको ब्रीफ कर देंगे, जहाँ पे भी हमारे पास 10 बच्चे यहाँ पे ज़ेर कफालत हैं। फेज़ टू में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम बरा कनाल की राजी हमने इसके लिए मख्तस की है और उस पर इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द काम शुरू करने जा रहे हैं। उसका नक्शा वगैरह बन चुका है। चकमलूक के सराउंडिंग बिल्कुल गाँव के 1 किलोमीटर के फासले पर यह राजी है। बरा कनाल का रकबा इसके लिए मख्तस हो गया और इसमें हमारा जो फ्यूचर प्लान है उसमें इंशाल्लाह एक इन आर्फन बच्चों का हॉस्टल होगा, जो कम से कम 200 से 250 बच्चों की मुस्तकिल वहाँ पे रहेश होगी और उसके साथ ही एक स्कूल की बिल्डिंग होगी इंशाल्लाह, जिसमें ये बच्चे अपना तालीम हासिल करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे प्लेग्राउंड और बाकी वो सारे लवाजमात जो एक अच्छे तालीमी इदारे और इंस्टीट्यूट में होते हैं, वो सारे इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आप लोगों के तामन रहनुमाई और नए ख्वाहिशात के तफैल पूरी कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पे इनको मैसर हों। इस हवाले से आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे रहनुमाई भी फरमाएँ और हमारे मामून भी बने। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। परवरिश हॉस्टल की इंतजामिया ने बच्चों में महरूमी का एहसास खत्म करने के लिए उनको एतमाद की दौलत से मालामाल कर दिया है। मुख्तलिफ शख्सियात परवरिश हॉस्टल का दौरा करके इसके मयार को मिसाली और काबिले तकलीद करार दे चुकी हैं। मददगार फाउंडेशन मुस्तकबिल में परवरिश हॉस्टल और स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल को चकमलूक गांव के करीब कायम करने का इरादा रखती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला बहस्ते सदर मददगार फाउंडेशन आपसे मुखातिब हूँ। मददगार फाउंडेशन अरसा 3 साल से चकवाल में काम कर रही है। हमारे अहम और नुमाया प्रोजेक्ट्स में रिफाई आमा के प्रोजेक्ट्स, जॉब पोर्टल का क्याम, ब्लड सोसाइटी का क्याम, आसान निकाह तहरीक और मददगार मोबाइल किचन शामिल है। हमारा मिशन लोगों को खुद मुख्तार बनाना और उनके हाथों से आगे आसानियाँ बाँटना है और अल्हम्दुलिल्लाह से 3 साल में 296 से ज़ायद प्रोजेक्ट करके हम अपने मिशन में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मैं दावत दूंगा आप सबको कि आप हमारे इस मिशन में हमारे साथ शामिल हों और हमारे दस्ते बाजू बने और हम मिलके लोगों के लिए आसानियां बांटें। और परवरिश हॉस्टल की ये नन्हे फरिश्ते तकदीर का सितम सहने के बाद बड़े एतमाद के साथ अपने लबों पर मुस्कुराहटें सजाए जिंदगी के सफर पर गामजन है। परवरिश हॉस्टल अपने महदूद वसाइल की बुनियाद पर यह मंसूबा रवा रखे हुए है, मगर आइंदा सालों में जेरे किफालत मजीद नन्हे फरिश्तों की तादाद मुतवक्के है। परवरिश हॉस्टल माशरे के तमाम तबकों को इस कार्य खैर में हम कदम और शरीके किफालत होने की दावत देता है। अब परवरिश हॉस्टल मेरा घर है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आइए हम सब परवरिश हॉस्टल के इन महरूम किफालत बच्चों की किफालत के अमल में शामिल हो जाए।